से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, केंद्रीय मंत्री का चालान काटा गया है। चिराग पासवान का बिहार में चालान कटा है। पटना से हाजीपुर के रास्ते में उनका चालान काटा गया, ओवर स्पीडिंग के लिए उनका कटा है चालान। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का ओवर स्पीडिंग की वजह से ऑटोमेटिक चालान काटा गया है। उन्हें 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। उनका चालान तब कटा जब केंद्रीय मंत्री हाजीपुर से चंपारण की ओर जा रहे थे। चिराग पासवान ने कहा है कि जुर्माना भर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान का चालान काटा गया, हाजीपुर के रास्ते में उनका चालान कटा है, ओवर स्पीडिंग के लिए ये चालान काटा गया। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से विनीता मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विनीता, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को लेकर भी चालान काटने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ हुआ, क्या स्पीड बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल, जो खबर सामने है उसके मुताबिक चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी गाड़ी का चालान कटा है, यानी उनको अब चालान भरना होगा और उसकी जानकारी भी सामने आ गई है। चिराग पासवान जब पटना से हाजीपुर जा रहे थे उस दौरान उनकी जो कार थी जो खुद वो ड्राइव कर रहे थे वो स्पीड में थी और इसी कारण उनकी गाड़ी का चालान कटा है। हालांकि कई बार उनकी गाड़ी चलाने की जो तस्वीर है वो सामने आई है। चिराग पासवान अधिकतर पटना से हाजीपुर खुद ही कार को ड्राइव करके वो जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी गाड़ी का चालान कटा है क्योंकि जो पटना से हाजीपुर का जो रास्ता है, जो फ्लाई ओवर है, वहां पर गाड़ी की स्पीड उनकी ज्यादा थी। इस कारण केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का भी चालान काटा गया है। विनीता, क्या ड्राइविंग सीट पर खुद चिराग पासवान मौजूद थे या उनके ड्राइवर वहां पर थे? गाड़ी कौन चला रहा था? अभी इस बारे में चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कई तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है, चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान खुद ही ड्राइव करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार जो उनकी गाड़ी का चालान कटा है, क्या उनके ड्राइवर चला रहे थे या खुद चिराग पासवान चला रहे थे, अभी ये सामने निकल कर नहीं आई है। चिराग पासवान ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, चिराग पासवान की वो गाड़ी है और चिराग पासवान के नाम से वो चालान भी काटा गया है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि अधिकतर क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर। अभिनीता, या क्या इस बाबत कोई जानकारी है कि चिराग पासवान कहाँ जा रहे थे और किस वजह से जा रहे थे? आशु भी वही जानकारी दे रही थी कि क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर है और हाजीपुर चिराग पासवान हमेशा आते जाते रहते हैं, चुनाव से पहले भी और अब वहां से वो जीत गए हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां की जनता से वो मिलते हैं और जब भी वो पटना आते हैं हाजीपुर जरूर जाते हैं। पटना से हाजीपुर जाने के दौरान रास्ते में ही उनका चालान कटा है क्योंकि पटना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें।